नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आज मेरे साथ खास मेहमान आम आदमी पार्टी के नए उम्मीदवार नए जिम्मेदारी के साथ कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल जी को बहुत बहुत बधाई, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, बड़े पद की घोषणा की गई, आज मुख्यमंत्री पद के लिए आपको घोषित किया गया। कितना बड़ा जिम्मेदारी है और कितना कैसा है महसूस हो रहा है आपको अभी? महसूस तो हो रहा है, क्योंकि जब ये चीज़ें डिक्लेयर होती हैं तो तब ना आप एक मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखते हो। उससे पहले तो होता है ठीक है, हो रहा है हो रहा है, तो वो एक फीलिंग है जो हमारे को भी आ रखी है। पर कल से देख रहे हैं कि कई लोगों से जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, कई की कॉल आ रही है जी, जिस तरीके से मतलब रिसीव करा जा रहा है इसको जी, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पर साथ में ये है कि ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जी। समाज में अपने को हमें एंटर करना है, लोगों को अपने आइडियाज़ देने, ताकि वो सपोर्ट मिलेगा, तभी जा करके हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और जी। कर्नल साहब, बधाई अभी आपको उम्मीदवार की, कि आप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी आप पे है। इसके आगे की सच्चाई वहाँ तक पहुँचने की कितना चैलेंज है इसमें? चैलेंज है पार्टी, मतलब वैसे तो देखा जाए दो तरीके से हम तुलना कर सकते हैं कि पुरानी एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं यहाँ पे, कांग्रेस बीजेपी, 100-100 साल पुरानी है पार्टी जी, तो एक अच्छी इस्टेब्लिश होती हैं। आम आदमी पार्टी अभी एंटर कर रही है, लेकिन फिर दूसरे तरीके से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी ओवरऑल जब दिल्ली में भी आई थी तो 2012 के बाद आई थी, जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था, तो 12 से देखो तो अभी तो 9 साल हुए, और 9 साल में अपने को अच्छा प्रूव कर रखा है पार्टी ने जी। तो यहाँ पे चैलेंज भी है, साथ में एक्सेप्टेबिलिटी भी पार्टी की है। हमें लोगों को कन्वे करना है कि वाकई में जो आज की जो ज़रूरतें हैं जी, वो दिल्ली जैसी जगह में आम आदमी पार्टी ने पूरी प्रोवाइड करा रखी है। तो यहाँ पे उस मॉडल को फॉलो करना एक समझदारी की बात। आपने कहा अन्ना हजारे, आपकी पार्टी में कभी अन्ना हजारे जी का नाम नहीं लिया जाता, जबकि वहीं से आपकी पार्टी की शुरुआत हुई, उस आंदोलन से आपकी पार्टी उभरी है, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? नहीं, क्यों नाम क्यों नहीं लेने की जरूरत है? सबको पता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन था जी। उसके बाद में उस आंदोलन से जो जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स थे जी, जितने भी आंदोलन में थे राधर जी, तो उनको ये समझ में आया कि अगर आपने ग्राउंड पे चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है तो इसका मतलब आपको गवर्नेंस में जाना पड़ेगा जी, और गवर्नेंस में जाने के लिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी जी। तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी तभी, तो अन्ना हजारे जी का आशीर्वाद है आपके साथ? अन्ना हजारे जी का आशीर्वाद तो सबके पास होना चाहिए, मतलब वो नहीं, मतलब स्पेशली आपकी पार्टी के लिए है। हाँ बिल्कुल है, आपके साथ है उनका, अन्ना हजारे जी का तो हमेशा जी। कर्नल साहब, चुनाव का बिगुल आप बजा चुके हैं, सबसे पहले बिगुल बजाने वाली आम आदमी पार्टी, तो तैयारियों में मुझे लगता है पहले से काफी तैयार हो रखे होंगे आप। अब पिछली बार के इंटरव्यू से इस बार के इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई दिख रहा है मुझे, क्या तैयारियां हैं आपकी इस बारी? देखो क्या है कि हम जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रहे हैं जी। ये जो कैंपेन के जो तरीके होते हैं, हम एक पहले हमने करा, इसको बोलते हैं युवा संवाद जी, अगर बोलेंगे। उसके बाद अगला कैंपेन होगा जिसमें कि हम और इंटरेक्शन करेंगे लोगों से। इसमें हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन से वो एसेंशियल मुद्दे हैं जो उनकी नज़र में आज सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए, उनको हम अपने मैनिफेस्टो में भी लेके आएंगे। साथ में फिर हम कुछ कैंपेन्स कर रहे हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम कैसे एक एक जो कमिटमेंट कर रहे हैं समाज को देने के लिए, समाज में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कैंपेन के जरिए कैसे उसको अच्छे तरीके से समझाया जाए। जैसे अभी हम इस टाइम पे कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली की बात, फिर ऐसी हम बात करेंगे कि बेरोजगारी कैसे हम दूर करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे एजुकेशन जो यहाँ पे इम्प्रूव करनी है उसका तरीका क्या होगा, हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आएंगे जी। तो ये सब एक एक मतलब एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने के कैंपेन्स हैं, समझाएंगे लोगों को और लोगों को फिर अपने बारे में बताएंगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमको लगता है कि रिस्पॉन्स आ रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री की जो बात आप लोगों ने कही है, आप घोषणा भी की कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, उत्तराखंड की स्थिति ऑलरेडी इतनी ख़राब है, आर्थिक स्थिति की बात करूं, क्या 300 यूनिट बिजली दे पाएंगे फ्री? दी जा सकती है, मतलब स्थिति तो ख़राब क्यों है, आर्थिक स्थिति तो नहीं है, तनख्वाहें टाइम पे नहीं जा रही हैं, बहुत तो वो तो बैड गवर्नेंस का सिंपल एग्जांपल है। मतलब अगर 55,000 करोड़ एनुअल उत्तराखंड का करीब बजट है जी, और उत्तराखंड खासकर वो जगह जहाँ पे की बिजली तो जनरेट होती है, मतलब अगर आप देखो टिहरी डैम है, टिहरी डैम में जो मतलब एशिया का सबसे बड़ा डैम है, वहाँ से बिजली जनरेट होती है। अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड सरकार ने कुछ ऐसे तरतीब से टिहरी डैम को अपने आप अपने पास रखने की जगह यूपी को दे दिया,
अब उस टाइम पे जब टीरी डैम बना था, मतलब हम आपको बताएं अगर जैसे बिजली की बात, तो ये फ्री की बिजली नहीं है, ये तो अधिकार की बिजली है। टीरी डैम जब बना तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर बना जिसमें कि वो गंगा और भिलंगना नदी का संगम होता था। अब वहाँ पे कोई 200-250 गांव है जो विस्थापित हुए वहाँ से। गाँव का विस्थापित होना तो इतना आसान नहीं होता, मतलब लोगों के अंदर फीलिंग है अपनी जगह की जी, खेतों की, वो जो एक होती है भावनाएं, वो सब फीलिंग को हटा करके लोगों ने वहाँ से विस्थापित अपने को करा। उस टाइम के कुछ उनको प्रोमिसेस करे गए थे कि आपको विस्थापित करेंगे तो आपको कुछ कंपेंसेशन देंगे। एक उनको कंपेंसेशन ये था कि आपको इतने यूनिट बिजली भी दी जाएगी, ये नहीं हुआ आज तक, नहीं हुआ जी। ये तो हक की बिजली है जी। अब इसमें अगर बोले कि आज स्थिति खराब हो गई है, स्थिति तो खराब बैड गवर्नेंस से हुई है। कभी एक बार था ना, एक वो राजीव गांधी जी ने बोला था कि 100 रुपये जब खर्च करती है सरकार तो जमीन पर 10 ही रुपये लगते हैं। आज 55,000 करोड़ रुपये है, अगर उसको थोड़ा भी ठीक कर लो, 50% ठीक कर लो, तो अपने आप ही वो ना डबल हो जाता है, 1,10,000 करोड़ हो जाता है। और ये बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, ये तो वो सेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट की एक नेसेसिटी होनी चाहिए कि सोसाइटी को दी जाए। पर जो आप बोल रहे हो कि राजीव गांधी ने कहा था, तो आपके मोदी जी ने ये तो करके दिखा दिया ना, उन्होंने डायरेक्ट देने लगे हैं पैसे। तो आज की डेट में जैसे स्वरोजगार योजना है, मजदूरों की योजना है, किसानों की योजना है, डायरेक्ट खाते में पैसे जाते हैं, तो वो तो उन्होंने बीच में से बैरियर हटा ही दिया वैसे भी, तो इसका मतलब काम तो वो भी ठीक ही कर रहे हैं। नहीं, हमें तो दिखता है सामने, मतलब अगर आप देखो तो क्या आपको लगता है कि गवर्नेंस अच्छी चल रही है? गवर्नेंस की बात नहीं, अगर हम बात करें योजनाओं की, तो योजनाएं तो उनके पास भी अच्छी हैं। हाँ, वही मतलब योजनाएं कौन जमीन पे कौन इम्प्लीमेंट करता है योजनाएं, गवर्नमेंट ही तो करती है। अभी आप देखो कुंभ में हो रखा है कुछ गड़बड़ी जी, छोटा मोटा है, बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पे अभी ये 2-3 दिन पहले वो जो जैसे जब मान लो कोई लेडी डिलीवरी देती है, तो उस टाइम पे घर तक की सुविधा थी राशन की और बच्चों को और माँ को देने की। अभी उसमें वो मिनरल और इंक्रीज करेंगे ताकि बच्चे की हेल्थ, बच्चे को पूरी एक जो पौष्टिक डाइट होती है वो मिले जी। अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो ये मतलब कहाँ योजनाएं होकर पे रही हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से ये साफ दिखता है कि किस तरीके से करप्शन, मतलब योजनाएं बनती हैं पर धरातल पर नहीं उतर पा रही, इम्प्लीमेंट हो पा रही है, तभी तो उत्तराखंड में हम सब रो रहे हैं जी। हम क्यों नौकरी छोड़ करके आए, क्यों हम पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स तो हमारा फील्ड ही नहीं है जी, ना हम इस चीज़ के लिए फिट माने जाते हैं। लेकिन क्योंकि और अगर फौज में रहते तो आज ब्रिगेडियर होते, शायद मेजर जनरल भी बनते जी, पर यहाँ पे हमें इन चैलेंजेस को देख करके तब इसलिए आए इसमें। केजरीवाल जी आए, उन्होंने एक घोषणा फिर कर दी है कि हम इसे धर्म नगरी बनाएंगे, क्या ये पहले से धर्म नगरी नहीं है? नहीं, उन्होंने घोषणा करी है आध्यात्मिक नगरी, हिंदुओं की आध्यात्मिक नगरी जी, तो कहीं भी नहीं है आध्यात्मिक नगरी। यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं, सब वो जो जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए उनके होने के बावजूद जी, तो ये आध्यात्मिक नगरी तो नहीं है। अगर आध्यात्मिक नगरी है तो बनाई जाएगी जब, तो उसके बाद ना वो एक लीगलाइज तरीके से एक वो सिस्टम क्रिएट करा जाएगा कि इस आध्यात्मिक नगरी का कैसे बेनिफिट होगा। मतलब उत्तराखंड का नाम इंटरनेशनल फोरम में जाएगा। आज उत्तराखंड में कोई शक नहीं है टूरिस्ट आते हैं, रिलीजियस टूरिस्ट आते हैं। आज उत्तराखंड में स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, उत्तराखंड में ट्रैकिंग वगैरह के लिए आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं। ये सारे के सारे आप देखो तो ये सारे के सारे ना आध्यात्मिक फीलिंग की तरफ तो हैं। हिमालय में आप जाते हो, गंगा नदी की आवाज़ सुन करके आपको सुकून मिलता है। जब आप पहाड़ को देखते हो, उसके टॉप में बर्फ़ पड़ी हुई है, जब पहाड़ों में हवा टकराती है, उसकी जो आवाज़ आती है, तो ये सारी तो स्पिरिचुअल फीलिंग्स की तरफ एक अच्छा इनकरेज करने वाला फैक्टर है। अगर ये आध्यात्मिक नगरी जब ये बनती है, डिक्लेयर होती है, तो यहाँ की रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ होगा, लोग आएंगे ज़्यादा, हमारे यहाँ रेवेन्यू का मॉडल बढ़ेगा, और उसके अंदर जो इंसान के अंदर जो फीलिंग है वो और अच्छी बढ़ेगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए आपने कोई ना कोई योजना जरूर बना रखी होगी, थोड़ा सा बताएंगे किस तरह की योजना आपने बनाई है, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से आप पे निर्भर है उत्तराखंड में। देखो, एक तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस दिखाना है युवाओं में, समाज में, कि जो हमारा कैरेक्टर है, मतलब पहले तो उसी को देखा जाए जी। काम करने की अगर क्षमता की बात है तो अपने मुँह से क्या बोलना है हमने, मतलब अगर कोई बोले कि केदारनाथ में काम वाकई में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद करा गया है, कोई देखे उसको, तो वो तो एक सबसे मतलब प्रैक्टिकली सामने देखने वाला एक सक्सेसफुल मॉडल है। अगर कोई कहे कि
कैसे रोजगार देना चाहिए, तो ये तो अपनी क्षमता से ही खाली बगैर किसी सरकार में यूथ फाउंडेशन क्रिएट करी, इतने सारे लड़के 10,000 से प्लस लड़के भर्ती हो रखे हैं आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उत्तराखंड पुलिस में, यहीं से गए वो लड़के। तो ये तो हमने अपनी क्षमता मतलब वो दिखाई है, जो जब हम किसी, हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो जब पावर में आएंगे तो हम अच्छा करेंगे जी, यही वाले हमारे मॉडल्स हैं, यही हमने समाज को समझाना है जी कि क्षमता रखते हैं। तो अब नवनिर्माण की जो बात करते हैं, उसके अंदर नवनिर्माण में क्या है, क्या मतलब नवनिर्माण क्या है, लोगों का विकास है या धरातल पे फिर से कोई आपकी कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स का नवनिर्माण होना है, किस तरह की नवनिर्माण की बात करते हैं? सब चीज़ें आएंगी इसमें। जब यूपी होता था पहले, तो हमारे को हमेशा एक फीलिंग होती थी कि क्योंकि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा दूर है, तो इसलिए यूपी में उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उतना हमको मतलब कंसिडर नहीं करा जाता प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। तो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की वजह से उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बना। अब ये 20-21 साल हो गए, लेकिन वो जो सेपरेट स्टेट जिन डिमांड्स के साथ में, जिन इच्छाओं के साथ बना था, वो ना रिड्यूस ही होती जा रही है, कम मतलब वो सुविधाएँ कम होती जा रही है। उसकी वजह से अफेक्ट क्या आ रहे हैं, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, पहाड़ों में चैलेंजेस तो होते हैं पर अवेलेबल भी कराए जाते हैं चीज़ें, ऐसा तो है नहीं सरकार की तरफ से। और क्योंकि वो ये जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं हो रही है, तो इंसान को नीचे की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है जी। जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा और कैपेबल हो जाता है तो वो देहरादून से दिल्ली चले जाता है। मतलब ये सब जो है, ये हैं वो मुद्दे जो कि आम आदमी पार्टी लेके चल रही है, जिसे बोल रहे हैं उत्तराखंड का नवनिर्माण। मतलब 20 साल पहले जो निर्माण होना था वो अब दोबारा से कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर कहीं गलती हो रही है तो बैक टू बेसिक्स, वापस जाओ और जाकर के देखो क्या है जी। तो हमारे को कई अच्छे आंदोलनकारी मंच में जो अच्छे लोग हैं वो हमसे मिलते हैं, हम उनसे डिस्कशन हो रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ पे बड़ी एक्सरसाइज कर रखी है, किताबें छाप रखी हैं उत्तराखंड के सुलगते सवाल, ये बड़ी अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड पर, एक इफेक्टिव गवर्नेंस ला करके। 70 विधानसभा हैं, 70 विधानसभाओं में आपको 70 लोग चुनने हैं, तो चुनने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, और किस तरह के लोग आप चुनने वाले हो, पुरानी पार्टियों से कुछ लोगे या अभी अभी किसी को लेने वाले हो, या यंग जनरेशन को आप आगे आगे लाओगे, किस तरह के लोग चुनने वाले हो, किस तरह की जिम्मेदारियाँ होंगी? देखो, कोई आदमी जो इच्छा रखता है, मतलब ये नहीं कि खाली पर्सनल ग्लोरी और पर्सनल अचीवमेंट को लेकर के कि मैं एक पॉलिटिशियन बस नेता बनना चाहता हूँ जी, वो तो कोई चीज़ लागू नहीं होती जी। यूथ को हम आगे इनकरेज करना चाहते हैं, फ्रेश लोगों को लाना चाहते हैं, मतलब क्राइटेरिया क्या होगा, उसके अंदर कहीं राष्ट्रवाद की भाषा भावना होनी चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, रिलीजियस फैक्टर को वो लेकर के प्ले ना करे वो, तो अगर ऐसे वाले चीज़ें उसमें हैं और वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी है आना चाहता है तो हम उसको इनकरेज करेंगे। यह है कि केस टू केस बेसिस पे पहले चेक करा जाएगा। बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल करियर सबसे बढ़िया करियर है इस टाइम पे, कि जिसको मतलब अपना करियर बनाना है तो पॉलिटिक्स में चले जाए, और आपकी पार्टी बिल्कुल नहीं है इसमें, उत्तराखंड के अंदर नहीं है आपकी पार्टी, तो कई लोग करियर बनाने के लिए आपके यहाँ आ रहे होंगे, तो उसकी वो क्वालिटी चेक हो रहा है, क्वालिटी चेक आप कर रहे हो, क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी सारी चीज़ें चेक होंगी, ये सब चेक होंगी, और फिर वो अच्छे चेहरे होंगे तो वो लेकर के आएंगे, तो टिकट देने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगी। बिल्कुल है, हमारी एक संगठन है, संगठन के सामने वो रखा जाएगा और उसके बाद में डिस्कस होगा जी, वही क्वालिटी कैपेबिलिटी के बेसिस पे उसको सेलेक्ट करा जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी जब आते हैं तो आपको क्या गुरु मंत्र देके जाते हैं, या कोई नया ऐसा बता के जाते हैं कि मैंने वहाँ ऐसा किया था तो आप ऐसा करो तो ये सक्सेसफुल होगा, ऐसा कोई गुरु मंत्र होता है, या आप लोग उनको सजेस्ट करते हो कि उत्तराखंड इस तरह का है तो आप इस तरह की घोषणाएं ना करें या करें? अरविंद केजरीवाल जब भी आते हैं तो सब इनकरेज होते हैं, मतलब हम उनसे गुरु मंत्र पूछना चाहते हैं, एक्सपीरियंस है उनका जी। देखो, एक IIT खड़गपुर का पास आउट है आदमी जी, उसके बाद में उसने मदर टेरेसा के यहाँ पे समाज सेवा के लिए वॉलंटियर होकर के, उसके बाद में सिविल सर्विस में थ्रू ये अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करी है जी। फिर उसके बाद में उसने एक इफेक्टिव गवर्नेंस का मॉडल प्रूव करा है, 2 बार से सरकार वहाँ पे आ रही है जी। और उसमें इफेक्टिव मॉडल में भी क्या प्रूव करा है, वो ये कहते हैं कि अगर हमने काम करा है तो हमें वोट दो, हम नहीं बोलते कि हमारा कुछ मैनिफेस्टो होगा, और सबको दिखता है काम, मतलब वही मोहल्ला क्लिनिक हो गई, उसके बाद में वो कैसे वो अच्छे हॉस्पिटल बन गए, कैसे जो एजुकेशन सेक्टर है उस एक साबित मॉडल है, कोई बोले कि ये तो कहने की बातें हैं, कोई बोलता है कि वहाँ पे नदी में ये सड़क में पानी भर जाता है जी। तो पहले तो दिल्ली को समझने की ज़रूरत है, दिल्ली की गवर्नेंस कितनी मुश्किल है, और उन चीज़ों को क्योंकि उन्होंने साबित कर रखा है,
तो हम तो उनसे पूछते हैं ये गुरु मंत्र बताओ, क्योंकि उत्तराखंड में भी इन्हीं चीज़ों की जरूरत है जी। विपक्ष पार्टियां आपके सीएम के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क कर रही हैं, वो बोलते हैं कि ये पार्टियां झूठ बोलती हैं, इन पर विश्वास ना किया जाए, सिर्फ झूठ बोलती है। और आपके ऊपर तो ये बात आरोप लगा रहे हैं कि इनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, हमने अपना प्रूव करके दिखाना है जी। मतलब कल एक इंटरव्यू था, रात को हुआ था 10:30 बजे जी, तो उसमें जो मैडम थी जो हमसे इंटरव्यू वो कर रही थी, तो उसके बाद हमसे पूछ रही थी कि आप बताइए आपकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। मैंने कहा ये तो आप ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक ग्राफ दिखाया, उसी में लगाया था, मतलब न्यूज़ में अपना जो इंटरव्यू था उसमें दे रहे थे कल से, अब कल जो हमारी ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद में हमारी एक्सेप्टेंस कितनी है, तो वो आ रहा था 57%। एक्सेप्टेंस कितनी नहीं है वो आ रहा था 40%। और वो जो बीच में डॉल्ड्रम में होते हैं वो आ रहा था 3%। तो वही हमें ऐसी चीज़ें बता रहे थे जी। कल एक वो ट्रेंडिंग चल रही थी कि आप उत्तराखंड मांगे कोठियाल, ऐसे कुछ था, तो वो हाईएस्ट ट्रेंड चल रहा था कल के उसमें। मेरे को नहीं पता आपको पता है कि नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल मैं देख रहा था। एक्सेप्टेबिलिटी तो दिखती है जी, जब घोषणा भी हुई थी इसलिए आप सबसे उसमें थे, ट्रेंडिंग टॉपिक में थे आप कल। तो जब एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो होती है तो फिर कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा तो कोशिश करते हैं जी। हम किसी पे पत्थर नहीं मारते, हम अपना काम करते हैं। अब उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल गए 5 सालों में, आप किस तरह से देखते हैं, ये छल है जनता के साथ या इनका अंदरूनी मामला है? कह नहीं सकता हूँ, पर ये बाकी में बात तो अजीब है कि इतनी पुरानी पार्टी है, इस्टेब्लिश पार्टी है और सब सिस्टम बन रखे हैं। मतलब ये पार्टी ऐसी है जिसको संगठन चलाता है, यानी कि पॉलिटिशियन चला रहे हैं, उसके बाद भी मतलब छोटी एरर है कि एक सीएम चेंज करे, फिर दूसरे चेंज करे, फिर तीसरे करे, और उसके बाद तो लोगों के दिमाग में होता है पता नहीं अगले चेंज तो नहीं कर देंगे जी। मतलब ये डाउट तो रहता ही है, और जब ये डाउट रहता है तो फिर आदमी का ना थोड़ा सा वो जो विचार होता है वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है समाज का कि गवर्नेंस तो इसी पार्टी के पास है ना अभी जी। मतलब यहाँ पे उत्तराखंड में और 6-7 महीने हैं, कुछ नहीं पता है क्या चीज़ें आजकल अचानक आ जाती हैं। कोविड की थर्ड वेव आ सकती है, नेचुरल डिजास्टर चलते रहते हैं जी। हमारे मतलब 6 महीने एक आदमी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 6 महीने पता नहीं कितने लोग ख़त्म होंगे, मतलब एक नेचुरल जो उनकी वो होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि कुल 6 महीने का पीरियड, मतलब उसमें पेरिश होना, उसमें ये रिड्यूस्ड वे ऑफ जो गवर्नेंस हैं, क्वालिटीज़ हैं, ये तो बड़ा अजीब सा ही लगता है हमको भी। कैसे प्लान करते हैं आइडिया नहीं है मेरे को इन पार्टीज का। तो मतलब जो इन्होंने बदला कहीं ना कहीं आपको छल लगता है कि इन्होंने जनता के साथ एक तरह का छल है, क्योंकि इनकी ताजपोशी पे ही लगी रही जनता, या ये लोग अपनी ताजपोशी में ही लगे रहे, जो काम करना था उसके लिए कोई इनके पास जवाब भी नहीं होगा शायद, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। वो तो दिखता है कि मतलब एक पुराने मुख्यमंत्री है वो कहीं किसी आइडिया पे नए वाले मुख्यमंत्री को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम भी चल रहा है आपस में। कहीं डिसीजन लेने तो उसके लिए फिर वहाँ केंद्र में जाना पड़ता है, दो दो तीन तीन चार चार दिन वहाँ पे रहते हैं। ये तो छल दिखता है, और छल के साथ में ये दिखता है कि कैसे घुमा करके ना पॉलिटिक्स को ऐसा बना दिया गया है कि वो मतलब इसे मैं बोलूँगा डूबता हुआ जहाज जी या पॉलिटिकल डिजास्टर जी। जब पॉलिटिशियन, जब कोई भी पॉलिटिशियन थोड़ा बड़े पद पे पहुंच जाता है उससे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इच्छाएं यही होती है कि लोग मुझसे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहें या मैं इजीली अवेलेबल हूं किसी के लिए। फॉरवर्ड डिलीवरी सिस्टम होता है ना, जैसे जब फौज युद्ध के फील्ड एरिया में होती है तो सीनियर अधिकारी जो होता है वो आगे जा करके मिल के आता है, प्लेटून का अपने पास नहीं बुलाता, वो जाता है और वहाँ पे पूरी प्लेटून, पूरी कंपनी, पूरी बटालियन उनसे जाकर के मिलता है। और आइडियल तरीका ही है, अगर किसी पॉलिटिकल फिगर को समाज ने इलेक्ट करा है तो उसका तो काम है मतलब जाकर के समाज के सामने, ये नहीं कि खाली हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ना तो एक संस्कार है, लेकिन उसके बाद में इशू समझना, प्रॉब्लम समझना और उसे लेकर के आना, और उसे फिर जो एक ब्रिज है गवर्नमेंट और समाज की आवाज़ के बीच में उसे पूरा करना। तो आपको लग रहा है ये दोनों पार्टियाँ आपको हल्के में ले रही हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी बहुत हल्के में ले रही हैं, और जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, इनको भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता है या किसी भी तरह की, तो बहुत हल्के में ले रही हैं जो मेरा आपकी बातों से मुझे लग रहा है। नहीं, हल्के में क्या ले रही हैं, हमारे खिलाफ स्टेटमेंट आ रहे हैं जी, आज भी कह रहे हैं फेसबुक में कुछ डाल रखा है किसी पुराने मुख्यमंत्री जी ने जी। तो अब ये हल्के थोड़ी होता है तो भारी में लेने वाली बात है ना, और क्या। नहीं भाई, आपको अब आपकी घोषणा तो हो चुकी है, अब आप ये भी बता दीजिए आप कहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हो। जो तो आज अखबार में आ गया, कल हमने बता दिया था। कहाँ से लड़ रहे हो? गंगोत्री। गंगोत्री से? लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप गंगोत्री से लड़ने वाले हो, तो आपने उस टाइम पे कोई जवाब दिया नहीं था, घोषणा नहीं हुई थी ना। जी जी, लेकिन आप गंगोत्री से लड़ने वाले। पहले एक बार हमने तैयारी करी थी गंगोत्री की जी, जब ये बात आ रही थी कि तीरथ सिंह रावत जी
उनके अगेंस्ट में आप लड़ने वाले तो तब हमने कहा था अगर वो लड़ेंगे तो हम पक्का लड़ेंगे, क्योंकि उसमें हमारा मकसद था जी। पता नहीं कि वो पीछे हट गए, ये तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर मकसद हमारा ये था कि हम बताएं उस इलेक्शन को लड़के जीत करके कि 6 महीने के बाद में या 8 महीने के बाद में, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो हमारे गवर्नेंस के ना तरीके क्या होंगे, और वो 5-6 महीने में जो इंटरिम इलेक्शन के बाद में हमारा पीरियड था, हम वो गंगोत्री में साबित करना चाहते थे जी। वो मकसद था हमारा उस टाइम। गंगोत्री के जितने पुरोहित हैं उन लोग श्राइन बोर्ड का एक वो था, आज तक परेशान है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, एक कमेटी बन गई, फिर एक और हायर कमेटी बन गई, आप लोग किस तरह से लेते हैं, उनके साथ गलत हुआ है या सही है, श्राइन बोर्ड होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। अभी आप देखो ना क्या लेवल आ गया है, तीर्थ पुरोहित उंगली काट रहा है, खून निकाल रहा है, खून से चिट्ठी लिख रहा है और प्रधानमंत्री जी को भेज रहा है, सिग्निफिकेंस है उसका। मतलब खाली ऐसे नहीं बोल सकते कि ये खून लगा दिया तो क्या हो गया, खून मतलब वो ये बोल रहा है कि कम से कम हमें सुनो तो सही, इतने टाइम से बैठे हुए हैं और कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है और कमेटी बिठाई जा रही है। जब कोई विधायक यहाँ पे उसकी जब तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो कोई कमेटी नहीं बिठाई जाती, मतलब वो एकदम से अभी मेरे ख्याल 2.5 लाख हो गई है उसमें तो कोई कमेटी नहीं बैठी, और बाकी जब चीज़ें नहीं करनी होती है तो कमेटी बिठा देते हैं, तो उस कमेटी को फिर ब्लेम कर दिया जाता है, इस कमेटी का ये फैसला है जी। तो देवस्थानम बोर्ड तो देखो 4 अलग अलग धाम है, खाली गंगोत्री नहीं, यमुनोत्री वहाँ पे लोग पैदल जाते हैं, गंगोत्री तक गाड़ी जाती है, केदारनाथ 22 किलोमीटर पैदल है जी, बद्रीनाथ गाड़ी जाती है, वहाँ पे ये जो जो अपने जो रिलीजियस जो यात्री आते हैं उनका यजमानों का जो वहाँ के जो पूजा कराते हैं मंदिर में अलग अलग सिस्टम है, डिबरियों के अलग है तरीके बद्रीनाथ में, यहाँ पे पंडा समाज का अलग है केदारनाथ में, यहाँ पे जो अपने सेमवाल परिवार है गंगोत्री में उनके अलग है, मतलब हर मंदिर के अलग होते हैं। तो एक कॉमन सा बना करके, और क्या उसमें बेनिफिट इंडिविजुअल को दिया गया है, गवर्नेंस को दिया गया, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया, और अगर गवर्नमेंट अपने ऊपर ही सब कुछ ले लेगी तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ से रहेगी, तो फिर तो ये तो फेलियर है वो बनाना। उससे पहले भी होता था BKTC बद्री केदार टेंपल कमेटी, अच्छा खासा चल तो रहा था, जरूरत क्यों पड़ी मेरे को आइडिया नहीं हुआ इस चीज़ का जी। वो लोग काफ़ी परेशान है पुरोहित, उन्होंने बहुत बड़ी धरना प्रदर्शन सब कुछ कर लिया उन्होंने, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी बीच में एक वायरल वीडियो भी आया था, कोई BJP का नेता था, उन्होंने बड़ा दौड़ाया उसको गंगोत्री में, पब्लिक ने काफ़ी दौड़ाया है, तो मतलब वो अगर एक पुरोहित अगर मारपीट पर उतर आए तो कहीं ना कहीं वो पीड़ित तो हैं। आप देखो ना अभी तो ये ऊपर से फिर ये 4 धाम यात्रा रोक रखी है जी, अब जब यात्रा शुरू होगी तो फिर मतलब भगवान जी को जो इंसान जा रहा है प्रणाम करने के लिए उसको अच्छे तरीके से अगर तरतीब बार पूजा ना करी जाए तो पूजा की प्रक्रिया होती है। मैं पूछना चाह रहा था, 4 धाम यात्रा इन्होंने बंद कर रखी है और आपका नैनीताल खुला है, मसूरी खुला है, आप देख रहे होंगे लगातार वायरल हो रहा है कि जाम लग रहा है कई कई सौ कई किलोमीटर्स का है ना, कैंपटेक हॉल में, आप कैंपटेक हॉल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग थे। तो कोरोना इनको क्या लगता है, मंदिरों में आता है या इन जगह में कोरोना नहीं है, जो जहाँ धाम खोलने चाहिए थे वहाँ खोले नहीं, तो ये गलत है सही है? ये बिल्कुल गलत है, एक स्टेटमेंट को लेके बैठे हुए हैं कि हाईकोर्ट ने बोला है कि नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये थोड़ी बोला, हाईकोर्ट तो तब इन्वॉल्व होती है गवर्नेंस में जब वो देखती है कि गवर्नमेंट का फेलियर हो रहा है। हाईकोर्ट ने बोला कि तुम अपने तरीके बताओ कैसे तुम 4 धाम यात्रा कंडक्ट कराओगे, तो तरीके बताने की जगह, मतलब तरीके क्या है, आज अगर कोरोना का चिंता है तो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, हमारे पास में अलग अलग एजेंसीज हैं, तो अगर ज़रूरत है तो उन मतलब करना ये चाहिए था कि कैसे यात्रा को कंडक्ट कराना है, कोरोना अगर माना भी जाता है कि कहीं अचानक आ जाए, वो तो करा नहीं, 4 धाम यात्रा ही रोक के बैठ गए। 4 धाम यात्रा रोक के बैठ गए और कुंभ इन्होंने करवा दिया जहाँ से इन्होंने पूरा सेकेंड वेव को इन्वाइट किया, सेकेंड वेव को इन्वाइट करा, ये अपना इतना बड़ा वो कुंभ का वो हो रखा है जी, वो जो घोटाला है, घोटाला जो है कि वो RT-PCR किसका निकला, UP का निकला, कहाँ का निकला, समझ में ही नहीं आता है कैसे गवर्नमेंट चलती है यहाँ जी। तो वो आप लोगों को आगे वो गवर्नेंस ठीक भी करनी है, किस तरह से आप लोग उसकी भी जांच करोगे अगर आप लोग आए? नहीं, हम तो मतलब फौज छोड़ करके क्यों आ रहे हैं, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेकर के जी, हम आए इसलिए रखे हैं, अकेले हैं, शादीशुदा है नहीं, हमारी मदर जिनकी 3 साल पहले अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी जी, उनकी इच्छाएं होती थी कि बेटे हो गया बहुत, अब तो आओ वापस समाज के लिए देख जी, तो हम तो आई उसके लिए रखे जी। तो सर आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपको बहुत बहुत बधाई आगे के लिए भी,
आप इसी तरह से काम करते रहें, लोगों को प्रेरित करते रहें। और अजय कोठियाल जी, जिस तरह का नाम और काम दोनों आपको आपको इसी तरह से सम्मान दिलाते रहें, और आपके पीछे पीछे हम हमेशा आपको पीछे पीछा करते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे हर सवाल। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अजय कोठियाल जी, एकदम सीधी बात में। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।